गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आफ्टर लॉन्ग गैप नाउ इट्स टाइम टू कम बैक अवर स्टडी। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर साइंस क्लास विथ चैप्टर नंबर 3, हीट एंड टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट एंड टेम्परेचर अपने डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलता है, लगभग डे टू डे लाइफ में अपन जुड़े हुए हैं इससे। जैसे कि अपन फूड वगैरह, कोई सा भी फूड वगैरह पकाते हैं तो उसके लिए अपने को टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर फूड को फ्रेश रखना है तो एक सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत रहती है, उसी टेम्परेचर पे वो फ्रेश नहीं रहता। कुछ कुछ जो चीजें हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे सही लगती है, कुछ चीजें जो है कम टेम्परेचर पे अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टी है, तो टी हॉट टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे चाहिए। वाटर है वो लो टेम्परेचर पे चाहिए, ठीक है। वैसी कई कई ऑब्जेक्ट को, कई कई चीजों को अपने को फ्रेश रखने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता है। वैसी अगर वेदर की बात करें तो अलग अलग वेदर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी क्या रहता है, चेंज होता है। जैसे अपन समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में जो टेम्परेचर जो रहता है वो हाई रहता है, विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है लो रहता है, और रेनी सीजन में भी ऐसी मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर रहता है। तो ये जो टेम्परेचर का कम या ज्यादा रहना, इसको अपन हीट और टेम्परेचर के फॉर्म में ही समझेंगे। एक्चुअली हीट का जो ट्रांसफर होता है उसी से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। आगे अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब ये जो किसी भी चीज को अपन टच करते हैं तो अपन आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो है कोल्ड है कि हॉट है। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि अपन वाटर में हाथ डालेंगे तो अपने को क्या लगेगा कि जो वाटर है वो कोल्ड है, नॉर्मल जो वाटर है वो क्या है, कोल्ड है। वैसी टी में, टी के अंदर अगर हाथ डालें तो अपने को क्या पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा हॉट है। तो कोई भी चीज हॉट है या फिर कोल्ड है अपन कैसे बताते हैं, तो इसके लिए अपने को कंपैरिजन करना पड़ता है। कैसे कंपैरिजन, अपना जो बॉडी है उसका भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, आप सभी को पता होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अपने टेम्परेचर को रिफरेंस लेते हुए बता पाते हैं कि वो जो दूसरी चीज है वो हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है अपने बॉडी के कंपैरिजन में, तो अपने को हॉट फील होगा, अगर कम है तो कोल्ड फील होगा, ठीक है। अब जैसे अपने को बोल दिया जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके टेम्परेचर कितना है बताइए, तो कोई भी आदमी उसका टेम्परेचर को एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हाँ, बस केवल इतना बता सकता है कि वो जो चीज है वो हॉट है कि कोल्ड है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है कि कम है, लेकिन कितना है ये नहीं बता सकता। वो अप्रॉक्स वैल्यू ऐसा कुछ बता सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू अगर बताने बोल दिया जाए तो कोई भी आदमी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए अपने को कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ती है। अब अपन डिवाइस को कैसे बनाएंगे या फिर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या उसका स्पेशलिटी होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो इसमें स्पेशलिटी क्या होना चाहिए कि वो जो डिवाइस है उसमें जो भी मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर के साथ वेरी करना चाहिए, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के साथ उसमें वेरिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री पे भी उसका कैरेक्टर वैसी है, 40 पे भी वैसी है, 100 पे भी वैसी है, तो ऐसा नहीं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। दूसरा है कि वो जो उसका जो सेंसिटिविटी है वो हाई रहना चाहिए। सेंसिटिविटी हाई रहने का मतलब ये है कि 0.1-0.2 डिग्री सेल्सियस को भी आसानी से मेजर कर सके, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या हो सके, उसमें वेरिएशन हो सके, ठीक है। फिर अब इस चीज को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्या, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर दो तरह का होता है, जो जनरल थर्मोमीटर होता है अपन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसको डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक में पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप खुद भी यहां से थर्मोमीटर बना सकते हैं, मेक योर ओन थर्मोमीटर। उसके लिए आपको इंजेक्शन बॉटल और रिफिल, सीजर, इंक, टैप वाटर एंड
कैंडल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहां से बहुत ही ज्यादा आसान है ये जो प्रोसीजर है, इसको आप रीड करिएगा। अगर प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। किसी भी चीज को अपन मेजर कर रहे तो उसके लिए यूनिट का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे अपन जब अपना मास मेजर करते हैं तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये वर्ड यूज करते हैं। डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब। वैसी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इसके तीन यूनिट आपके बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट है केल्विन, इसको भी आप जानते होंगे, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मेरे ख्याल से तीनों आपको पहले से पता होगा। तो ये तीन तरह के यूनिट हैं टेम्परेचर मेजर करने के, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब किस तरह से यूज करते हैं इसका और तीनों में क्या रिलेशन होता है, उसको अपन यहां एक छोटा सा रिलेशन है तीनों उससे समझते हैं। चलिए देखते हैं, यहां से जो टेम्परेचर उसको मेजर करने के लिए अपन लोवेस्ट जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अपन यहां वाटर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको अपन लेते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अपना जो आसपास का जो एटमॉस्फियर है उसका टेम्परेचर नॉर्मली देखा जाए तो इन्हीं के बीच में रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। फिर स्पेशल पर्पस के लिए और अलग क्वालिटी का थर्मोमीटर बनाया जाता है। पहले इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने तीन तरह का यूनिट यूज कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट है सेल्सियस, सेकंड है केल्विन एंड थर्ड है फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस को सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर यहां से बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉइल होने लगता है, ठीक है, वेपराइज्ड होने लगता है। फिर इसी को केल्विन में देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। मीन्स कितना डिवीजन है यहां पे भी, 100। सेल्सियस में भी 100 डिवीजन है और केल्विन में भी 100 डिवीजन। फिर इसी को अपन फ़ारेनहाइट में देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इनके बीच जो डिवीजन है वो कितना डिवीजन है, 180। कैसे पता चला, 212 माइनस 32 करेंगे तो कितना डिवीजन आएगा, 180 डिवीजन आएगा, ठीक। ये ऐसा ही कुछ है जैसा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, अलग अलग चीज यूज करते हैं, ठीक है। जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ती है वहां उसके अकॉर्डिंग यूनिट यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वैसा ही सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, इन तीनों में यह रिलेशन होता है, F-32/9 = C/5 = K-273/5। मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में। तो किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। चलिए, एग्जांपल है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। मतलब आपको जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए किसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले किस में गिवन है, सेल्सियस में, और किसमें कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या रिलेशन है, F-32/9 = C/5। अब गिवन वैल्यू किसमें है, सेल्सियस में, तो C का वैल्यू अपन क्या कर देंगे, पुट। तो यहां से F का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए यहां से F-32/9 = C का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे 30 बस पुट कर देंगे, लास्ट में आंसर आएगा तो उसमें यूनिट, ठीक है, अपॉन 5, 5 + 5 = 6, ठीक है। फिर यहां से क्या हो जाएगा, F-32 = 9 × 6 = 54, ठीक है। फिर F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 + 32 कितना हो जाएगा,
सिक्स, ठीक है। तो यहां से ये हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रहा आपका आंसर। मतलब ये बोल सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, मींस गिवन वैल्यू फ़ारेनहाइट में और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं, फिर से दोनों का कंपेयर करेंगे, एफ -32/9 इज इक्वल टू C/5। तो यहां से एफ का वैल्यू गिवन है -40, पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा -40 -32/9 इज इक्वल टू C/5, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -72/9 इज इक्वल टू C/5। यहां से 9 1 जा 9 8 जा, ठीक। फिर यहां से दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। यहां से यही वो टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। यहां से देख सकते हैं सेल्सियस में भी कितना आया -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी कितना गिवन था -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, घर में प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हीट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हीट एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। आप लोग को शायद इसमें डाउट होगा कि हीट और टेम्परेचर सेम होगा करके, लेकिन सेम नहीं है। हीट और टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज नॉट अ मटेरियल, क्लियर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। सो वन इज अ कॉज एंड अदर इज इट्स इफेक्ट, वन इज कॉज एंड अदर इज इट्स इफेक्ट। सो वॉट इज कॉज, हीट इज अ कॉज एंड वॉट इज इट्स इफेक्ट, टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट। अपन इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अपन एक कप टी लेते हैं और उस टी को अपन एक रूम में रख देते हैं, ठीक है। एक कप ऐसा चाय लेते हैं, ठीक है, यहां से एक कप चाय लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, रूम में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो जो चाय है वो ठंडा हो जाता है। तो चाय जो है ठंडा हो जाता है, तो चाय पहले गर्म था और कुछ देर में क्या हो गया, ठंडा। तो इसका मतलब क्या, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो क्यों डाउन हुआ टेम्परेचर, हमने तो कुछ किया नहीं, ना तो वहां से चाय निकाला, चाय को तौल के भी देखा, चाय जितना ग्राम पहले था कप सहित, बाद में भी ठंडा होने के बाद भी उतना ही ग्राम था। तो ऐसा क्या चीज था जो उससे निकल गया या फिर जो उसमें आ गया, तो वही चीज है जो उससे निकल गया, वो क्या है, हीट, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं जब चाय गर्म था तो उसमें हीट ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा था, और जब उसको रूम में रख दिए थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, तो उसमें से हीट क्या हो गया, स्केप आउट हो गया। हीट जो है क्या हो गया, स्केप आउट हो गया, और हीट के निकलने से, हीट के ट्रांसफर होने से उसका टेम्परेचर जो है क्या हो गया, डाउन हो गया, क्लियर। अब हीट एक मटेरियल नहीं है, क्योंकि मटेरियल रहता तो क्या होता, उसका जो वेट है वो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वेट जितना पहले रहता है उतना ही बाद में रहता है, ठीक है। अब हीट को और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उससे भी समझ सकते हैं। जैसे कि समर सीजन है, उसमें आपको गर्मी ज्यादा लगती है, तो गर्मी लगने का रीजन क्या है, समर सीजन में जो एटमॉस्फियर है उसका टेम्परेचर हाई रहता है, उसका टेम्परेचर हाई रहता है, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, लो रहता है। अगर देखा जाए तो अपने बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और उस टाइम पे एटमॉस्फियर का टेम्परेचर रहता है मोर देन 40 रहता है। तो समर सीजन में होता क्या, एटमॉस्फियर का जो हीट है वो आपके बॉडी में एंटर करता जाता है, क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एटमॉस्फियर का जो हीट आपके बॉडी में एंटर करेगा, तो हीट आपके बॉडी में आ रहा है तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। ठीक ऐसे ही विंटर सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फियर का जो टेम्परेचर वो लो रहता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो कौन हाई टेम्परेचर पे हुआ, आपका बॉडी।
तो होगा क्या, विंटर सीजन में आपके बॉडी से हीट क्या होगा, एमिट होगा। हीट क्या होगा, एमिट, मतलब आपके बॉडी का जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी से जब हीट निकलेगी तो आपको क्या लगेगा, ठंड लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी से हीट निकल रही है तो टेम्परेचर आपके बॉडी का डाउन होना स्टार्ट होगा और आपको ठंडी लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। स्टार्टिंग में जो हीट है उसको एक फ्लूइड माना गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला जो पैराग्राफ है उस पे लिखा हुआ है, जब फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा फिर बाद में समझ आया कि जो हीट है वो मटेरियल ना होके, फ्लूइड ना होके एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, हीट को पहले एक फ्लूइड समझा जाता था और उसको क्या बोलते थे अपन, कैलोरिक बोलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से देख सकते हैं, ये एक साइंटिस्ट है कॉन्ट रॉमफोर्ड करके, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया लैब में और लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि जो हीट है वो फ्लूइड ना होके एक तरह के एनर्जी का फॉर्म है। यहां से ये वाला जो पैराग्राफ है उसको रीड करना, हाउ वॉज द थ्योरी ऑफ कैलोरी फॉल्सिफाइड। ठीक है, और अभी तक अपन अपडेट हो चुके हैं कि जो हीट है वो एनर्जी का फॉर्म है ना कि मैटर है। ठीक है, फिर आगे कल अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट जो है ट्रांसफर होता है, उसके थ्री मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके बारे में डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल।